जनपद में शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सेना के जवान धनंजय यादव का अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि सेना के जवान धनंजय के पार्थिव शरीर का शनिवार की सुबह अंतिम संस्कार कर दिया गया तथा धनंजय की अंतिम यात्रा में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। वहीं इकलौते पुत्र होने की वजह से धनंजय के चचेरे भाई सोनू यादव ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। जब तक सूरज चांद रहेगा धनंजय तेरा नाम रहेगा और भारत माता की जय के उद्घोष के बीच उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं घाट पर हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने सेना के जवान धनंजय को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। वहीं शुक्रवार की शाम धनंजय यादव का शव गोरखपुर पहुंचने के बाद आक्रोशित भीड़ ने चौरी चौरा में आगजनी और पत्थरबाजी कर दी, जिसमें पुलिस के एक दर्जन वाहनों को भी उपद्रवियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एडीएम व एसपी ने कई थानों की पुलिस और पीएसी के जवानों ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर बितर किया, क्योंकि परिजनों की मांग थी कि धनंजय यादव को शहीद का दर्जा दिया जाए और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाए, जिस पर डीएम ने परिजनों से बात करके मांग पत्र लिया और मामले को शांत करवा दिया। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि झगहा थाना क्षेत्र के रहने वाले सेना के जवान धनंजय यादव की मृत्यु हुई थी, जिसमें फौज के लोग कल आए थे और शनिवार को परिवार के सहमति से पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और जिन लोगों ने शुक्रवार को कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया था उन लोगों को वीडियो के माध्यम से चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, धनंजय भैया अमर रहे, धनंजय भैया अमर रहे। चौरी चौरा में जो श्री धनंजय यादव जी के जो मृत्यु हुई थी, फौज के लोग कल आए थे रात को और आज सुबह उनके परिवारजनों की सहमति से पूरे सम्मान के साथ फौज के उनके साथियों के उपस्थिति में पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार पूर्ण किया गया। और जितने लोगों ने कल चौरी चौराहे के चौराहे पे कानून व्यवस्था प्रभावित की थी, उनका हम लोग अभी सूचीबद्ध कर रहे हैं। उनके वीडियो में उनके तस्वीरें आई हुई हैं और जिन्होंने ऐसे करतूत की है उनके खिलाफ़ दंडात्मक कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।